नमस्कार बच्चों मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी बच्चों आज के वीडियो में हम कक्षा ग्यारह की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय तेरह का भाग दो पढ़ेंगे कवि है रामनरेश त्रिपाठी कविता का नाम पथिक बच्चों पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सार पढ़ा था आज के वीडियो में हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे शुरू करें बच्चों प्रश्न एक राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ बच्चों यहां आपके सामने चार विकल्प है इसमें से एक सही विकल्प आपको बताना है पहला सन अट्ठारह में दूसरा सन उन्नीस में तीसरा सन अठारह में चौथा सन उन्नीस में बच्चों सही उत्तर है सन अट्ठारह में प्रश्न दो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित बाल पत्रिका है बच्चों इन चार विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है पहला बालहंस दूसरा चंपक तीसरा बानर चौथा ग्राम गीत सही उत्तर है बानर। इन्होंने बानर पत्रिका का संपादन किया था प्रश्न तीन पथिक का मन कहा विचरना चाहता है उत्तर है पथिक का मन नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच विचारना चाहता है प्रश्न चार सूर्योदय के वर्णन के लिए किन किन बिंबों का प्रयोग हुआ है उत्तर है सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने कल्पना की है कि समुद्र के तट पर दिखने वाला आधा सूर्य मानो लक्ष्मी के मंदिर का उज्जवल कंगूरा है समुद्र पर फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है प्रश्न पांच प्रकृति के मध्य किस नर्तन की कल्पना की गई है उत्तर है कवि ने कल्पना की है कि सूर्य नायक है आकाश मंच है घनमाला नर्तकी है उसने रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए हैं प्रश्न छह समुद्र को गरजता देखकर कवि का हृदय किस इच्छा से उद्वेलित हो गया उत्तर है कवि का मन करता है कि वह समुद्र के कोने कोने में जाए और उसकी लहरों पर बैठकर चारों तरफ फिरे प्रश्न सात आत्मप्रलय से क्या आशय है उत्तर है आत्मप्रलय का आशय है आत्मा का तरल होकर फूट पड़ना अर्थात मन के विचार बाहर निकलना प्रश्न आठ प्रेम सत्य है सुंदर है प्रेम के विविध रूपों का वर्णन करो उत्तर है प्रेम सत्य है यही अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है और एक दूसरे जीव से जोड़ती है प्रेम सुंदर है अर्थात प्रेमानुभूति के कारण हमें एक दूसरे के जीवन में आनंद आता है प्रश्न प्रसन्नों वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर क्यों होते जा रहे हैं उत्तर है आज का मनुष्य भागम भाग वाली जिंदगी के कारण प्रकृति से दूर होता जा रहा है नगरों और महानगरों में जीने वाले लोग प्रकृति के संपर्क में नहीं आ पाते उनके घरों मोहल्लों में न तो पेड़ है न हरियाली न खुले मैदान न खेत न ही फसलें समय अभाव के कारण हम प्रकृति के संपर्क में नहीं आते तथा प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं बच्चों ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें समझें याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें धन्यवाद